हसन हुसैन के शहादत को लेकर मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व रोहतास के इस मदरसा इस्लामिया कसगावा रोड में पूरे तजिया का आप देख रहे हैं आपसी सौहार्द के साथ ये संपन्न होने के कगार पे है। अब से थोड़ी देर बाद ये पहलाम होगा और यहाँ से लोग अपने गंतव्य की ओर लौट जाएंगे। जिला प्रशासन के पास जो चुनौती था मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का, वो बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने आपसी सौहार्द का परिचय दिया है और मुहर्रम पर्व पे लोगों ने एकजुटता दिखाई है, एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए। और रोहतास प्रशासन ने जिस तरह से तैयारी की थी इसको संपन्न कराने को लेकर, उससे बढ़ चढ़कर लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई है और इस सक्रियता के तहत लोगों ने आपसी सौहार्द के तरह पहल करते हुए मुहर्रम पर्व को सफलतापूर्वक मनाया है। आप देख सकते हैं कि 10 दिन तक चलने वाला ये जो पर्व है हसन हुसैन के शहादत को लेकर मनाया जाता है, लेकिन इसमें था कि क्राउड सड़क पे आता है और क्राउड आने के बाद जिला प्रशासन का जो चुनौती था वो ये था कि जिस तरह से पिछले रामनवमी में पूरे रोहतास जिला का नाम खराब हुआ सासाराम को लेकर, एक बड़ा चुनौती था मुहर्रम को सफल बनाने के लिए, लेकिन अच्छा प्रयास रहा और लोगों ने खुद से सक्रियता दिखाई और आप देख सकते हैं एक से एक आकर्षक तजिया बनाया गया था और तजिया के बाद पूरे संपन्नता के साथ इसको कराया गया। यहाँ के जो इस्लामीय कमेटी के लोग हैं, करीब करीब 5-6 गांव के लोग आते हैं, एक से एक आकर्षक तजिया बनाया जाता है, अच्छा पैगाम है समाज के लिए और आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाए जाना भी एक अच्छा संकेत है। रोहतास दर्पण के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हम ग्राउंड में लिए चलेंगे जहां लोग एक से खेलों का मुआयना कर रहे हैं और किस तरह से वहां अखाड़े का आयोजन होता है, हम वहां आपको लिए चलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।